Students of class 5th, today is a lovely day. Myself, Ankita Singh Rajput, your maths teacher from Radiant Public School, Baksa. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 5th, subject mathematics. Here mathematics means in Hindi, Gadit. So let's begin. Students, this is your maths book, Mathematics in Actions for class 5th. So let's start. Maine aapko previous video mein exercise 1.5 bataya tha, question number 1 and 2. और जूम ऐप के थ्रू मैंने लाइव क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 3 and 4 समझा दिया था. और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 समझाऊंगी, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. मैंने इसे कॉपी में लिखा है जिसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और फेयर कॉपी में नोट करिएगा. CW डेट है 12/6/2020, क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. हेयर मैथमेटिक्स मीन्स इन हिंदी गणित. एक्सरसाइज 1.6, राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. हम लोग को नंबर्स का राउंडिंग करना है, राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 10 के करीब का. नियरेस्ट मीन्स नज़दीक, करीब. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है. देखिए, पहला, फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, जब हम नियरेस्ट 10 का राउंडिंग ऑफ करते हैं, वी विल फर्स्ट चेक द वंस डिजिट. तो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, किसको हम चेक करेंगे, पहले डिजिट को, वंस डिजिट को. इफ़ द वंस डिजिट इज ग्रेटर दैन और लेस दैन 5, देखते हैं कि वंस डिजिट 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है. सेकेंड पॉइंट, इफ़ द वंस डिजिट इज ग्रेटर दैन 5, अगर पहला डिजिट 5 से बड़ा यानी कि 5 से बड़ा है, वी विल इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1. तो हम टेंस डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, 1 उसमें ऐड कर देंगे, 1 उसमें ज़्यादा कर देंगे. एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0, और वंस डिजिट को जो नंबर दिया गया है उसको हटा के वहाँ 0 लिख देंगे. थर्ड पॉइंट, इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर पहला डिजिट 5 से छोटा है, वी विल रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0. तो हम वंस डिजिट को, वो डिजिट कोई भी लिखा होगा, उसको हटा के 0 लिख देंगे. एंड अदर डिजिट रिमेन सेम, और बाकी जो डिजिट रहेगा उसको वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे. जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट 54 है, 54 में वंस डिजिट देखिए आप 4 है, यानी कि 5 से छोटा है. तो वंस डिजिट के जगह हम 0 लिख देंगे, और लेकिन टेंस डिजिट के जगह हम वैसे ही का 5 का 5 ही लिख देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकेंड 68 है, वंस डिजिट इसमें 8 है यानी कि 5 से बड़ा है. तो हम वंस डिजिट को रिप्लेस 0 से करेंगे, लेकिन टेंस डिजिट में हम 1 जोड़ देंगे. तो 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा. तो 68 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 से क्या है, तो 70 है. थर्ड 59 है, 9 जो है वंस डिजिट पे 9 जो है हमारा 5 से बड़ा है. तो 9 को हम रिप्लेस करके 0 लिख देंगे, लेकिन टेंस डिजिट में 1 हम ऐड कर देंगे. तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 59 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 किसका है, तो 60 का है. अब नंबर लाइन, एक नंबर लाइन शो किए, 59 राउंड ऑफ करना है हमको. 59 किसका राउंड ऑफ है, तो 60 का. देखिए 50 और 60 के बीच में 59 आएगा, ऐसे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 50 और 60 के बीच में 59 आता है, और 59 ज़्यादातर किसके करीब है, तो 60 के करीब है. क्योंकि 59 में अगर हम 1 ऐड करते तो 60 आता है, लेकिन अगर 50 में हम 9 ऐड करेंगे तब 59 आएगा. ठीक है, तो 59 किसके करीब है, 60 के करीब है. तो 59 राउंड ऑफ किसका होगा, 60 का होगा. अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.6. CW डेट है 12/6/2020, एक्सरसाइज 1.6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 5th के लिए. क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, आपको राउंड ऑफ करना है किसके करीब, तो नियरेस्ट 10 के करीब. चलिए स्टूडेंट, हम आपको अब बताते हैं एकदम आराम से. ए में है 26,752, यानी कि 26,752. सबसे पहले हम वंस डिजिट को चेक करेंगे, तो वंस डिजिट मेरा 2 है, यानी कि 5 से छोटा है. तो हम 2 नहीं लिख कर यहाँ पे वंस डिजिट की जगह 0 लिख देंगे, और टेंस डिजिट की जगह हम 5 का 5 ही लिख देंगे. अगर वंस डिजिट 5 से छोटा होता है तो वंस डिजिट को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, और 5 और टेंस डिजिट को वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे. तो 26 है तो आपको 26 लिखना है, कॉमा है तो आपको कॉमा भी देना है, 100 प्लस की जगह 7 है तो 7 लिखना है, टेंस की जगह भी आपको 5 ही लिखना है, और वंस डिजिट की जगह आपको 0 लिख देना है. बी में
5,462,08 यानी कि 5,46,208 है। वंस डिजिट को चेक करिए, वंस डिजिट 8 है यानी कि 5 से बड़ा है, तो वंस डिजिट के जगह हम 8 नहीं लिखकर 0 लिखेंगे। लेकिन टेंस डिजिट के जगह, क्योंकि वंस डिजिट 5 से बड़ा है तो टेंस डिजिट के जगह हम 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 0 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है और 2 का 2 ही रहना है। तो 5,46,208 का राउंड ऑफ किए हम नियरेस्ट 10 के करीब, तो मेरा आया क्या आंसर 5,46,210। सी में है 4,964 यानी कि 4,964। हम वंस डिजिट को चेक किए तो वंस डिजिट 4 है यानी कि 5 से छोटा है, तो वंस डिजिट को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 लिखेंगे, और टेंस डिजिट जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यानी कि हम क्या समझें कि जब वंस डिजिट को हम चेक करते हैं, वंस डिजिट अगर 5 से छोटा रहता है तो वंस डिजिट को हम 0 लिख देते हैं और टेंस डिजिट को वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे और बाकी सब डिजिट वैसे का वैसे ही लिखाएगा। लेकिन अगर वंस डिजिट 5 से बड़ा है तो वंस डिजिट को रिप्लेस करेंगे 0 से, लेकिन टेंस डिजिट में हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। डी में आइए 15,96,814 15,96,814। हम वंस डिजिट को चेक किए तो 4 है यानी कि 5 से छोटा है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 लिखेंगे वंस की जगह। लेकिन टेंस डिजिट में कोई अंतर नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा और 100 तो डिजिट वैसे ही लिखाएगा, 8,000 की जगह 6 ही लिखाएगा, 10,000 की जगह 9 ही लिखाएगा, लाख की जगह 5 ही लिखेगा और 10,00,000 की जगह 1 ही लिखाएगा। यानी स्टूडेंट्स कि अगर 4 अगर 5 से छोटा रहेगा कोई भी डिजिट वंस प्लेस की जगह, वंस डिजिट की जगह, तो आपको रिप्लेस करना है 0 से और टेंस डिजिट वैसे ही का वैसे ही लिखेगा। लेकिन अगर वंस डिजिट 5 से बड़ा रहेगा तो आपको वंस डिजिट की जगह रिप्लेस करना है 0 से, लेकिन टेंस डिजिट में आप 1 ऐड कर दोगे। सो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बस यही समझाऊंगी कि आपको क्लियरली समझ में आए। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय मैथ्स वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।